अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की वर्ड की क्लास में हम ये देखेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, किस काम के लिए बनाए जाते हैं और उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए चार्ट को। बेसिकली चार्ट जो होता है वो आपके डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि आपका डाटा जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। लेकिन मैं नंबर्स नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा डाटा ज़्यादा है, कौन सा डाटा कम है और कौन सा डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, कौन से डाटा की रेंज बहुत ज़्यादा है, कौन सा डाटा की रेंज कम है। कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं चीज़ों को। तो आपके डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट्स। तो कैसे बनाते हैं चार्ट्स, किस तरह से मैनेज करते हैं, तो वर्ड में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको चार्ट इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस जगह पे मुझे चार्ट चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको एक चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, चार्ट के ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल हैं आपके पास। जिस तरह का भी आपको चार्ट चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट मौजूद है, इसी तरह से एरिया चार्ट मौजूद है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सरफेस रेडर और कॉम्बो चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब सपोज़ यहाँ से मैंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया तो कॉलम चार्ट में भी बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि ये किस तरह का नज़र आता होगा, एंड देन आप यहाँ से जो भी टाइप आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पर टैम्पलेट्स आपको बना के दी गई हैं, या आप अपनी टैम्पलेट्स को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी टैम्पलेट सेव नहीं की हुई तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है। रीसेंट का ऑप्शन आपके पास है कि आप रीसेंट जो आपने चार्ट बनाए होंगे वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगे। सो मैं यहाँ से कॉलम चार्ट चूज़ कर लेता हूँ। कॉलम चार्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्लस्टर कॉलम आपको चाहिए तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता हो कि आपके पास डाटा किस तरह का मौजूद है और उसका किस टाइप का चार्ट क्रिएट होना चाहिए। कॉलम चार्ट हमेशा उस वक्त आप बनाते हैं जब आपके पास दो पैरामीटर्स पे डाटा मौजूद। मतलब जैसे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई कंपनी है, उसके पास चार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और कौन सी प्रोडक्ट कौन से साल में कितनी बिकी। तो मेरे पास दो पैरामीटर हैं, मुझे एक तो साल भी बताना है कौन से साल में वो प्रोडक्ट बिकी है, और दूसरा मेरे पास पैरामीटर उसकी क्वांटिटी, कितनी बिकी है वो, कितनी सेल हुई है उस प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके कॉलम चार्ट को चूज़ किया और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको एक एक्सेल की शीट मिलेगी जिसमें आपको डाटा को इंसर्ट करना है और उससे बना हुआ चार्ट आपको यहाँ एक सैम्पल डाटा इसमें आपको इंसर्ट हुआ हुआ मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक सैम्पल चार्ट अवेलेबल होगा, जो आप डाटा यहाँ चेंज करते जाएंगे वो आपके चार्ट में चेंज होता रहेगा। तो ये सैम्पल डाटा हमारी आसानी के लिए कि आपको जैसे यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे साल लिखने हैं, ईयर्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कि मुझे डाटा दिखाओ 2017 का, इंटर, 2018 का, 2019 का और 2020 का। अच्छा, एक साल अगर मुझे एक और ऐड करना है तो मैं सिंपली जस्ट इंटर प्रेस करूँगा, नीचे आऊँगा और मैंने 2021 का भी यहाँ पर ईयर ऐड कर दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसकी जगह बन जाएगी। जगह बनाने के बाद अब सपोज़ यहाँ पे सीरीज़ 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये आपके पास ये लेबल्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज़ मैंने आपको प्रोडक्ट की मिसाल दी, मैं यहाँ पर बैट्समैन की मिसाल ले लेता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के। मेरे पास चार प्लेयर्स मौजूद हैं, उन चारों ने कौन कौन से साल में कितने कितने रन्स बनाए वो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक प्लेयर, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया बाबर आजम, बाबर आजम ने कितने रन्स बनाए कौन से साल में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया आबिद अली, और इसी तरह से मैंने नाम दे दिया अजहर अली। एक नाम मैं और ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर जाके जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक और नाम दे देता हूँ, शुएब मलिक, और इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखें शुएब मलिक ऐड हो गया। रन्स मुझे यहाँ पे बताने के, बाबर आजम ने 2017 में कितने रन बनाए, मैं सैम्पल रन ले रहा हूँ, मैंने कहा 1520 रन बनाए 2000
17 में बाबर ने इसके अलावा 1320 रन इसमें बनाए, 4,500 रन इसमें बना दिए और 2,000 रन 2020 में बनाए, और 2021 में 1600 रन बाबर ने स्कोर किए। इसी तरह आबिद अली पे जाता हूँ मैं, तो आबिद अली के मैंने रन्स बता दिए कि इन्होंने इतने रन्स बनाए इस ईयर में और इस ईयर में इतने रन बनाए। ये थोड़े ज़्यादा होगा, इसको मैं कम कर देता हूँ वरना चार्ट बहुत छोटा छोटा नज़र आएगा। और बाबर के बी वाले रन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 4500, मैं इसको 2500 कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से अजहर अली के रन्स पे जाते हैं, तो 1 2 3 4, नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है, 1250, 1379, तरह 1510 और 1400, इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पे रन ऐड कर दिए। इस तरह शुएब मलिक पे जाता हूँ, शुएब मलिक में मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 500 रन बनाए, फिर 630 रन बनाए, फिर 510 रन बनाए, 480 बनाए और फिर 900 रन बनाए 2021 में। तो यहाँ पर आपके पास ये डाटा मिल जाएगा और मैं यहाँ से जाके बाहर क्लिक कर देता हूँ, या आप यहाँ से इस एक्सेल की शीट को बंद भी कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल डाटा इस तरह से नज़र आएगा। ओके, चार्ट का टाइटल क्या है, हमने यहाँ पर बैट्समैन के रन लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया कि पाकिस्तानी बैट्समैन रन्स पर ईयर, ठीक है, एक साल में वो कितने रन्स बनाए हैं कौन से खिलाड़ी ने, तो वो मैंने चार्ट यहाँ पर दे दिया। अच्छा, अब इस चार्ट की कुछ सेटिंग्स होंगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला टेक्स्ट रैपिंग का है, टेक्स्ट रैपिंग के लिए आप इस चार्ट को अगर छोटा करके कहीं रखना है आपको, तो आपने चार्ट को, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट के दरमियान में हो, तो टेक्स्ट के दरमियान में ये अभी कुछ इस तरह से बहुत बुरी तरह से आ रहा है, तो यहाँ से जाके मैं इसको टेक्स्ट रैप कर लूँगा, इसको स्क्वायर फॉर्म में, ताकि इसके सराउंडिंग में भी टेक्स्ट मौजूद हो, टेक्स्ट आ सके। तो मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर पर रखना चाहता हूँ सपोज, तो चार्ट मैंने यहाँ पर रख दिया। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग के लिए, मैं इसको इन लाइन विद टेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैंने, मुझे पूरे बॉक्स में चाहिए तो मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। उसके अलावा यहाँ आपको ऐड का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आपको चार्ट का एलिमेंट देखें, कुछ एलिमेंट्स अभी बंद हैं, वो आपको अगर ऐड करने तो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस जो है वो ऐड हुए हैं, यहाँ पर एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, वो ऐड हुआ हुआ है। एक्सेस के टाइटल्स आपको देने, तो यहाँ पर जैसे ये जो है वो रन्स हैं कि कितने रन्स स्कोर किए हैं, तो मैं यहाँ पर देता हूँ रन्स स्कोर्ड, कि कितने रन्स बनाए हैं, और ये है ईयर, तो मैंने यहाँ से जाके दे दिया इस कैलेंडर ईयर में कितने रन स्कोर किए। ओके, फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपके पास है चार्ट का स्टाइल, आप यहाँ से जाके चार्ट के स्टाइल कैसा होना चाहिए, ऐसा स्टाइल होना चाहिए, ऐसा स्टाइल होना चाहिए या ऐसा स्टाइल होना चाहिए, ये आप यहाँ से जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो इसमें डाटा लेबल्स भी एक्टिवेट हो गए और यहाँ से जाके मैं सिंपल चार्ट टाइप ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ये डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप बंद करना चाहते हो, यहाँ से आपके पास दिया हुआ है डाटा लेबल्स, तो यहाँ से जाके मैंने इसको बंद कर दिया, तो डाटा लेबल्स बंद हो गए। डाटा के टेबल आपको नीचे चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट आप यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में, बेसिकली जो चार्ट है वो आपका आपका जो डाटा है ये जो 1520 450 ऐसे दिखा रहा है उसको वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं इतना डाटा नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कौन से प्लेयर ने ज़्यादा रन्स बनाए 2020 में, तो मुझे नज़र आएगा कि ऑरेंज वाला जो प्लेयर है उसने रन ज़्यादा बनाए। अभी ऑरेंज वाले कलर को मैं ढूंढ लूँगा, यहाँ पे ऑरेंज कलर आबिद अली के पास है, तो मुझे ऐसे देख फ़ौरन देखने में पता चल जाएगा। अब वो उसने कितने रन बनाए उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट अगर नहीं है, तो मेरे लिए ये वाला चार्ट बहुत अच्छा है। और मोस्टली जो आपके जो डाटा होता है उसमें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कि डाटा जो है वो आप ऐसे ग्राफिक फॉर्म में दिखा दें ताकि लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, बस वो ये समझ जाए कि कौन से साल में ज़्यादा सेल हुई थी, कौन से साल में कौन से बॉलर ने ज़्यादा विकेट्स ली, कौन से ईयर में ज़्यादा रन्स बनाए बैट्समैन ने, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके चार्ट में बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस साल जो है आबिद अली ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे और येलो वाले यानी शुएब मलिक ने सबसे कम रन्स बनाए थे इस साल में। इसी तरह से यहाँ पे बाबर आजम ने ज़्यादा रन्स बनाए, ये ब्लू वाले बाबर के कलर है, तो बाबर ने 2019 में ज़्यादा रन्स बनाए, आबिद अली ने कम बनाया, फिर अजहर अली ने थोड़े ज़्यादा बनाया आबिद अली से, और फिर शुएब मलिक। तो इस तरह से आप चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखें एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है फ़िल्टर का, आप फ़िल्टर करना चाहते हैं,
फिल्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें दो पैरामीटर्स हैं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ बाबर आजम के रन दिखा दो, तो मैंने इस पर होवर किया तो ये ऐसे दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल से चेक हटा देता हूँ और सिर्फ बाबर पे जाके मैं चेक लगा देता हूँ और मैं यहाँ से जाके अप्लाई कर देता हूँ, तो सिर्फ मुझे बाबर ने कौन से साल में कितने रन बनाए वो आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ बाबर और अज़हर अली दोनों में कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि किसके रन ज़्यादा थे किसके कम थे, तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब ये सिर्फ उन दो प्लेयर्स के ही रन मुझे दिखा रहा है जिनके मैंने उससे मांगे, तो सिलेक्ट ऑल कर दूंगा तो सारे बैट्समैन के रन आ जाएंगे इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि इन सबके रन तो नज़र आए लेकिन मुझे सिर्फ 2020 के रन देखने, तो मैं यहाँ से सब पे से चेक हटा दिया, सिलेक्ट ऑल से चेक मैंने हटा दिया एंड देन 2020 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, तो सिर्फ मुझे 2020 का ही डाटा मुझे दिखा रहा है। डाटा गायब नहीं हुआ है, वो सिर्फ छुप गया है यहाँ से, डाटा मतलब डिलीट नहीं हुआ है यहाँ से, तो मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑल कर पे दोबारा से चेक लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो आपके पास डाटा वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको डाटा में कोई करेक्शन करनी है, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर शुएब मलिक के रन बहुत ज़्यादा कम हो गए, आपने 4800 लिखने थे लेकिन आपने एक जीरो कम लगा दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डाटा को एडिट करेंगे। डाटा एडिट करने के लिए जब आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा चार्ट टूल्स, और इसमें डिज़ाइन में जाके आपके पास डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन मौजूद हैं। यहाँ पर ही आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एडिट डाटा का, ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटा दोबारा से आ जाएगा जो आपने एक्सेल की शीट में इंसर्ट किया था। इसको मैं सामने रख लेता हूँ और यहाँ पर सपोज शुएब मलिक के रन जो हैं 1000 थे लेकिन आपने 500 लिखे थे, तो यहाँ से जाके आप इस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुएब मलिक के रन थोड़े से बढ़ गए, इसी तरह से यहाँ पे 900, मैं यहाँ पे 1900 करना चाहता था तो ये 1900, इस तरह से आप डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, चार्ट की सेटिंग में आप जाएंगे तो मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर एड चार्ट एलिमेंट आपको दिए गए जो यहाँ पर भी अवेलेबल थे, तो कुछ डाटा जो आप यहाँ से चेंज करें तो आपको ऊपर डिज़ाइन में भी मिलेगा। इस तरह लेआउट्स आपके पास थे तो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि आप यहाँ से ये स्टाइल्स को या कलर्स को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप ऊपर डिज़ाइन में ना भी जाएं तो आप इन चार ऑप्शन से इस चार्ट को एडिट कर सकते हैं अच्छा खासा। उसके अलावा चेंज कलर आपको करना है तो डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जैसे ही कलर चेंज करेंगे वहाँ पर आपके लेबल्स के कलर्स भी चेंज हो रहे होंगे, पहले शुएब मलिक येलो कलर से आ रहा था, अब यहाँ पे डार्क रेड कलर से आ रहा है। इसी तरह से आगे चार्ट के डिज़ाइन हैं, ये भी हमने यहाँ स्टाइल्स में देखे थे, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर डिज़ाइन से जाके भी चेंज किया जा सकता है इनको। सपोज़ ये नियॉन इफेक्ट मुझे देना है चार्ट में, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है तो ये मैंने चूज़ कर लिया। कोई आपको चार्ट का एलिमेंट जैसे मुझे डाटा लेबल्स दिखाने हैं तो मैं डाटा लेबल्स भी एक्टिव कर लेता हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट वो रन्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कॉलम चार्ट है मैं चाहता हूँ बार चार्ट चार्ट होना, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस ये वर्टिकली फॉर्म में डाटा होता है और ये बार चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, तो आप इस तरह से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बार चार्ट की फॉर्म में ऐड हो गया, मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऊपर लेबल दिखा रहा है, स्टाइल मैं इसका सिंपल रखना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल स्टाइल रख दिया, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब जो यार नीचे दिखा रहा था वो साइड में चले जाएंगे और जो रन्स नीचे दिखा रहा साइड में दिखा रहा था सॉरी वो नीचे चले जाएंगे, तो इस तरह से आप चार्ट की टाइप को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग तरह से खुद से कलर दें, ये तो कलर्स खुद उसने दिए आपके वर्ड ने, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शुएब मलिक का कलर है आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर दें, अज़हर अली का कलर आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करें, तो किस तरह से करेंगे देखें, यहाँ पर जाके आपको जिसका भी डाटा सेलेक्ट करना है, मतलब मैंने पहले क्लिक किया चार्ट को सिलेक्ट कर लिया और चार्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे जिस प्लेयर का भी या जिस सीरीज़ का भी मुझे कलर चेंज करना है मैं उस पर जाके एक बार फिर से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें इस पर मैंने क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी तमाम जो बॉक्सेस थे ग्रीन कलर के वो सब सिलेक्ट हो गए। अब आपको यहाँ से फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में अगेन वैसे ही शेप जैसा ही तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको ये वाली क्लास आपने शेप वाली क्लास नहीं देखी कि शेप्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं तो आप यहाँ ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है, आप उस पर जाके क्लिक करके भी शेप की सेटिंग्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से शेप में जाता हूँ और शेप में जाके मैंने कहा कि अज़हर अली को ये ब्लू कलर देना है मैंने, और क्लिक किया शुएब मलिक को मैं चाहता हूँ ऑरेंज कलर देना, तो मैंने यहाँ से
ऑरेंज या येलो टाइप का जो कलर है ये मैंने चूज़ कर लिया। इसी तरह से मैं बाबर को जो है वो ऑरेंज कलर असाइन हुआ, मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ बाबर को, तो मैंने ऐसे ग्रीन कलर चूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप चार्ट को एडिट कर सकते हैं, चार्ट का डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट के डाटा को एडिट कर सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। मैं एक तरह का चार्ट आपको और बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, इंटरफेस किया, चार्ट इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आप इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से पाई चार्ट बना देता हूँ। अब पाई चार्ट जो होता है ये एक ऐसा चार्ट होता है जो आप किसी एक क्वांटिटी के दरमियान बनाते हैं, एक पैरामीटर आप इसमें यूज़ करते हैं। कॉलम जो था वो दो पैरामीटर्स के लिए था, आप उसमें बहुत सारे वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने चार प्लेयर्स के डाटा को कंपेयर किया, बाबर आजम, शुएब मलिक, अजहर और आबिद अली को, तो वहाँ पर चार चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर आप एक ही वैल्यू को डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डाटा अवेलेबल है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आ रहा है सेल्स और फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, यानी एक कंपनी है उसकी कोई सेल हुई है वो साल के पहले क्वार्टर में, यानी शुरू के साल के जो 3 महीने होते हैं उसमें उसकी कितनी सेल हुई, दूसरे क्वार्टर यानी बाकी के जो 3 महीने होते हैं उनमें कितनी सेल हुई, इसी तरह बाकी के 2 क्वार्टर्स में कितनी सेल हुई। तो इस चार्ट को देखने से आपको पता चल रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा हुई, सेकेंड में थोड़ी कम हुई और थर्ड और फोर्थ में तकरीबन आसपास सेम ही हुई। तो मैं इस चार्ट को चेंज करना चाहता हूँ। मैं सपोज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं, उनमें पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, ऐसा मैं कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाके कर दिया पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और मैं यहाँ से जाता हूँ फर्स्ट क्वार्टर की जगह मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैं सिंध, फिर पंजाब, इसी तरह बलूचिस्तान, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको KPK, खैबर पख्तूनख्वा। और यहाँ पे मैं एक सैम्पल पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो नहीं मैं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सिंध पे जाता हूँ, बल्कि हम रियल टाइम उठा लेते हैं। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया पॉपुलेशन ऑफ सिंध, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और वर्ड में आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ सिंध की जगह मैंने लिख दी यहाँ पे पंजाब 1010, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये 47 मिलियन थी, ये 110 मिलियन है, यानी पंजाब की सिंध से भी ज़्यादा है। और इसी तरह से मैं यहाँ से बलूचिस्तान पे जाता हूँ, तो यहाँ पर बलूचिस्तान की पॉपुलेशन हमें दिखा रहा है कि कुछ 12 मिलियन है। मैं बलूचिस्तान को पेस्ट कर देता हूँ, 12 मिलियन आ गए। और इसी तरह से हाँ मैं जाता हूँ यहाँ से KPK पे, तो यहाँ पर ही हमें दिखा रहा है कि इसकी 35 मिलियन पॉपुलेशन है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो मैंने इस डाटा को बंद कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर आप देखें तो आप इस डाटा को देखते ही पहचान सकते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिंध की पॉपुलेशन उससे कम है, फिर उसके बाद KPK की पॉपुलेशन है और फिर बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है। ये चार्ट आपको ये दिखा रहा है। देन हमने यहाँ से ये देखा कि आप चार्ट को फिल्टर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से 2 सूबों की पॉपुलेशन कंपेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान, इन 2 की पॉपुलेशन मुझे नज़र आए, बाकी किसी की नज़र नहीं आए। तो इसको देख के आपको फील हो रहा है कि सिंध की पॉपुलेशन बलूचिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। जरा आप बलूचिस्तान और पंजाब को कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो अब ये दिखा रहा है कि पंजाब की ज़्यादा है, बलूचिस्तान की कम है। तो इस तरह से आप पॉपुलेशंस को और जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल हो आप उसको चार्ट की मदद से कंपेयर कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे स्टाइल में करते हुए आप अपनी रिपोर्ट्स में, अपने असाइनमेंट्स में उसको शो करवा सकते हैं। इससे जो आपके डॉक्यूमेंट की ब्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अच्छा लगता है देखने वाले को, पढ़ने वाले को, बनाने वाले को। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगा तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ये बहुत ज़रूरी है वर्ड में।
और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो नज़र आती रहें जब भी मैं अपलोड करूँ, और सबसे पहले आप उसको देखें, समझें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।